हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज आपके सामने और एक प्रोडक्ट के साथ और जेन्यून रिव्यू के साथ आई हूँ, तो वो है नायका का न्यू लॉन्च स्टिक फाउंडेशन। तो अभी अभी ये नायका में लॉन्च हुआ है न्यू स्टिक फाउंडेशन, एंड लास्ट टाइम मैंने लिक्विड फाउंडेशन का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए देखेंगे ये क्या क्या क्लेम करता है और क्लेम करने जैसा ये परफॉर्म भी करता है कि नहीं, प्राइस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने लिया टोटल, ये स्टिक फाउंडेशन में टोटल 7 शेड्स लॉन्च हुए हैं, लाइटर टू मीडियम डीपर तक आपको शेड्स मिल जाएंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। एंड पिंक अंडरटोन, न्यूट्रल और येलो अंडरटोन में भी जो इंडियन स्किन टोन के लिए अच्छे से सूट हो जाएंगे, वो सभी शेड नायका ने लॉन्च किया है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। एंड मैंने लिया हुआ है शेड 04 वार्म हनी। तो ये बॉक्स के ऊपर आपको शायद दिख रहा होगा, वार्म हनी 04 में लिया हुआ है। और एक शेड है जो मीडियम डीपर और मीडियम स्किन टोन को सूट होने वाला है, वो है गोल्डन हेजलनट 06, लेकिन मैंने ये ट्राई करने के लिए एक ही शेड लिया हुआ है। तो ये वार्म हनी, ये 9 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 525 रुपीज में मिलेगा। एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, ये स्क्रैच को किया हुआ है, उसके नीचे कुछ फ्री लिखा हुआ है, क्या फ्री का टेस्ट कर इंडिकेट कर रहा था मुझे मालूम नहीं, उन्होंने ये ब्लर कर दिया है। और ये 30 मंथ्स बिफोर यूज करने काफी टाइम दिया हुआ है, वो प्लस पॉइंट है। एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, एनिमल नो एनिमल टेस्टिंग किया हुआ है। और इसका ऊपर आपको एक्सपायरी डेट बिफोर 8/20 लिखा हुआ है, तो ये वो भी एक प्लस पॉइंट है, काफी टाइम है। एंड ये क्या क्या क्लेम करता है, क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक, अ सुपर लॉन्ग वियर वाटरप्रूफ फाउंडेशन स्टिक दैट प्रोवाइड्स हाई कवरेज इन अ स्मूथ ग्लाइडिंग वेटलेस फॉर्मूला। नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक इज एनरिच्ड विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 15 जो प्लस पॉइंट है, फॉर सन प्रोटेक्शन एंड विटामिन ई फॉर ब्राइटनिंग एंड नरिशिंग योर स्किन। एंड दिस इजी टू यूज ट्विस्टअप फाउंडेशन स्टिक टारगेट्स एंड डिलीवर्स मैक्सिमम कवरेज एंड ब्लेंडेबिलिटी टू एक्सपर्टली हाइड एनी साइंस एंड इम्परफेक्शन, साइंस ऑफ इम्परफेक्शन दैट गिवस यू अ परफेक्टेड कॉम्प्लेक्शन ऑन द गो। एंड ये क्लेम करता है कि वाटर प्रूफ एंड सुपर लॉन्ग वियरिंग फुल कवरेज स्टिक फाउंडेशन एंड कंसीलर इन वन एंड एनरिच्ड विथ SPF 15 एंड विटामिन ई। तो मैंने ये ऑलरेडी 2 टाइम्स यूज किया है, एक बार विथ प्राइमर एंड दूसरी बार विदाउट प्राइमर एंड स्पॉन्ज और ब्यूटी ब्लेंडर एंड ये ब्रश दोनों से भी मैंने यूज किया हुआ है। ये जो है इस तरह से पैकेजिंग में क्लासी दिखता है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुपर क्लासी है ये। इसके ऊपर मेटालिक सिल्वरी नायका का ब्रांड लिखा हुआ है। एंड ये इस तरह से ओपन करोगे तो ये कुछ मैंने रिव्यू में कुछ देखा था कि कुछ लोगों ने ये मैग्नेट कुछ बोला था, लेकिन ये मैग्नेट नहीं है, परफेक्ट जो ये टक करके इस तरह से फिक्स हो जाता है, तो ये आराम से आपको वैनिटी में किट में आपको रख सकते हो, ये आराम से निकलेगा नहीं, टाइट होल्ड अच्छा काफी टाइट है। एंड इस तरह से ओपन करोगे तो ये ट्विस्ट अप हो जाएगा और प्रोडक्ट इस तरह से बाहर आ जाएगा, और ये आपको इतना प्रोडक्ट, काफी प्रोडक्ट है। एंड आपको मैं स्वाच दिखा देती हूँ, ये 04 वार्म हनी है, ये कंप्लीट आप देख सकते हो, काफी मैंने जस्ट एक कोट मैंने लिया हुआ है, कंप्लीट येलो अंडरटोन में है ये। एंड गोल्डन हेजलनट 06 शेड, वो भी येलो अंडरटोन है और वो भी आप यूज कर सकते हो। और ये कॉन्टोरिंग के लिए आप टॉफी सीजल जो 07 शेड है वो भी आप यूज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली वो बाय करने जा रही हूँ, तो क्योंकि ये इतना इजी सुपर ब्लेंडेबल है। और ये आप देख सकते हो आराम से ये
हाथ में मैंने आपको पर्पसली ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। अब हम देखेंगे डेमो पार्ट, उसके बाद में देखेंगे ये क्या क्या क्लेम करता है, वो वर्क करता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द डेमो पार्ट। एंड मैंने कुछ फेस पे एलोवेरा जेल लगाया हुआ है और कुछ नहीं है। एंड लेट्स स्टार्ट। ये है नायका का स्टिक, आप जिस तरह से इस तरह रोटेट करोगे तो ये प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। एंड ये है वॉर्म हनी 04 एज आई सेड। एंड मैं इस तरह डैम्प स्पॉन्ज, जो रियल टेक्निक का डैम्प स्पॉन्ज से ब्लेंड करूंगी। एंड लेफ्ट साइड पे कबूकी फ्लैट कबूकी ब्रश से मैं यूज करूंगी, तो देखेंगे ये किस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट शेड्स, आई थिंक शेड परफेक्ट सूट हो रहा है। देखेंगे ब्लेंड किस तरह से, तो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रहा है, हार्ड नहीं लग रहा है अप्लाई करने में, तो आई एम हैप्पी विद दैट। और ये स्मेल माइल्ड फ्रैग्रेंस बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब या केमिकल जैसा ये स्मेल नहीं करे। आई लाइक दिस माइल्ड स्मेल है, और मैंने दो बार इसको यूज भी किया है, तो थोड़े देर बाद मतलब विद इन 10 मिनट्स में ये स्मेल डिसअपीयर भी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे ये ब्यूटी स्पॉन्ज से किस तरह से ये ब्लेंड होगा। आराम से ये ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हो, एंड परफेक्ट सूट हो रहा है मेरे स्किन टोन पे। आई एम हैप्पी विद दिस। देखिए, एंड अब हम लेफ्ट साइड पे ब्रश से ब्लेंड करेंगे। ये ब्रश से भी आराम से ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हो, कुछ भी हार्शली मुझे ट्राई नहीं करना पड़ रहा है एक ब्लेंड करने के लिए। आप देख सकते हो परफेक्ट मैच हुआ है, शेड के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मीडियम टू डार्केस्ट शेड के लिए भी आपको शेड रेंज मिल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन ये वार्म हनी परफेक्ट सूट हो रहा है मुझे। आई एम हैप्पी विद दिस। अभी स्टार्टिंग थोड़ा सा मुझे आई थिंक कैमरा में आपको दिख रहा है कि मालूम नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डूई फिनिश जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद डेफिनेटली ये सेट होने के बाद आपको कंप्लीट मैट में टर्न हो जाएगा। अगर आप इमीडिएटली लाइटली आप पाउडर से प्रेस करोगे तो इमीडिएट मैट में आप ये टर्न हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम विथ द ब्लेंडिंग एंड शेड वाइज। यहाँ पे थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं, एंड आई विल ट्राई वन मोर टाइम, एक और लेयर हम बिल्ड करके देखेंगे कि ये कवर हो पाएगा कि नहीं। तो लेट्स सी, यहाँ कवरेज ओके है, देख सकते हो आप थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है, लेकिन डेली वेयर के लिए ये बेस्ट है।
कवरेज लेकिन मीडियम तक भी नहीं, लेकिन इट्स ओके फाइन विथ एवरीडे पर्पस, स्किन को इवन आउट कर देता है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी. अब हम मैं इसको ये नायका का प्रेस पाउडर है इन द शेड वार्म हनी, तो दोनों शेड सेम है फाउंडेशन और इसका, देखेंगे ये प्रेस पाउडर टचअप होने के बाद. ये थोड़ा सा मैट में टर्न होता है, फिर भी अगर आप ऑयली स्किन है तो कंपलसरी आपको प्रेस पाउडर से इसको सेट करना ही पड़ेगा. तो ये था डेमो पार्ट, आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस. तो आपने इसका डेमो देखा है एंड आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ब्लेंड होता है, मैच होता है और जिस तरह से मैंने यूज किया हुआ है, मैंने विदाउट प्राइमर इसको यूज किया है एंड बेयर स्किन पे यूज किया है, तो आराम से ब्लेंड हो जाता है, सूट होता है स्किन के लिए एंड ब्लेंडिंग में कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये जैसे वाटरप्रूफ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वाटरप्रूफ एंड वाटरप्रूफ का ये बिल्कुल काम नहीं करेगा. थोड़ा सा वाटर के साथ इसको वॉश कर दोगे तो ये आराम से मोर देन हाफ ये बाहर निकल के आ जाता है विदाउट एनीथिंग एंड सुपर लॉन्ग वेयरिंग जो ये बोल रहे हैं. लेकिन लॉन्ग वेयर या अगर आप प्रेस पाउडर्स या प्रेस करके सेट करोगे तो आराम से 5 to 6 आवर से आपको टिक जाएगा एंड अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे से इसको सेट करोगे तो काफी लॉन्ग टाइम 6 to 7 आवर्स आपको ये स्टे करेगा डेफिनेटली. अगर आप प्राइमर के साथ इसको यूज करोगे तो स्मूथली ये ग्लाइड होगा एंड आराम से शो करेगा एंड कलर फेड अप या होना या व्हाइटिश या ग्रेइश में टर्न नहीं होता है. ये परफेक्ट येलो अंडरटोन में है, परफेक्ट में जो मीडियम मेरे, अगर आप मेरे स्किन टोन या मीडियम टू डीपर के मीडियम जो हम व्हाइटिश के थोड़ा सा स्लाइटली डार्कर शेड में आते हैं तो ये इनके लिए परफेक्ट शेड है. डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कीजिए एंड इसमें फुल कवरेज स्टिक फाउंडेशन बोलते हैं, फुल कवरेज नहीं है ये, मीडियम तक कवरेज है, मीडियम के ऊपर नहीं होता. आपने डेमो में देखा होगा पिंपल्स अभी भी पीप आउट करते हैं, लेकिन ये कवरेज ओके है, इवन आउट करता है और स्किन को नाइसली एक शेड देता है और सेकेंड स्किन जैसा इफेक्ट देता है. लेकिन ये फुल कवरेज या कुछ नहीं है, कंसीलिंग थोड़ा बहुत कंसीलिंग करता है एंड एनरिच विथ एसपीएफ 15 विटामिन ई, वो एक प्लस पॉइंट है एंड ये कवरेज ओके है एंड मैट. अगर इमीडिएट लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ये डुई या सैटिन या डुई फिनिश लगेगा, लेकिन एक बार स्किन एब्जॉर्ब होने के बाद ये कंप्लीट मैट में टर्न हो जाता है. अगर प्रेस पाउडर आप यूज कर रहे हो तो ये अच्छे से सेट भी हो जाता है, लेकिन आप थिन पाउडर अप्लाई कीजिए ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि वो केकी होने के चांसेस रहते हैं. अगर आप ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप बेटर ये अवॉइड कीजिए. अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो एक ही थिन लेयर यूज कीजिए और उसके ऊपर कंपलसरी आप प्रेस पाउडर से प्रेस कीजिएगा, सेट कीजिएगा एंड ये टिकेगा. आफ्टर 3 आवर्स मैंने ट्राई किया है, टी जोन में आराम से ऑयली आ जाता है, उससे ज्यादा ये परफॉर्म नहीं करेगा. फिर आप पाउडर से सेट करोगे तो ये फिर भी ओके हो जाएगा, लेकिन 3 to 4 आवर्स के बाद ये टी जोन में ऑयली ऑयल रिलीज करेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड ये कहता है वाटरप्रूफ के बारे में मैंने बोल दिया है और प्राइस वाइज ओके है. और इसी प्राइस में आपको दूसरे भी ब्रांड में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो काफी लॉन्ग स्टे करेंगे और वाटरप्रूफ भी परफॉर्म करेंगे. तो लेकिन मेरे हिसाब से ये शेड वाइज एंड ब्लेंडिंग वाइज एंड जो ट्रांसफर नहीं होता है उसके बारे में ये बहुत ही कंफर्टेबल है डेली वेयर के लिए एंड डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर सकते हो. अगर आप इसके ये जो शेड्स इसी के शेड के आपको नायका में प्रेस पाउडर्स में मिलेंगे, जो मैंने इसके साथ में नायका का जो प्रेस पाउडर है वार्म हनी वो मैंने ट्राई किया हुआ था,
तो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट सेट हो जाता है और सूट होता है स्किन को एंड कोई भी बीटिशिया, क्योंकि डीपर मीडियम टू डीपर स्किन टोन के लिए वही प्रॉब्लम होती है। कोई भी फाउंडेशन आप यूज करते हो बाद में वो ग्रेइश शो होने लगता है, लेकिन मुझे इसके साथ में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हो मोर देन हाफ एन आवर या 1 आवर हो चुका है मैं इसको यूज किया हुआ है, कोई शेडो जैसा नहीं नजर आ रहा है, स्किन इवन दिख रहा है। एंड ये था नायका का स्किन जीनियस स्टिक फाउंडेशन का रिव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।